श्री अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट श्रीमती विधि अग्रवाल जी, प्रबंध निदेशक श्री ऋषि अग्रवाल जी, कॉलेज के डीन डॉक्टर रेणु मित्तल जी, ब्रह्मा कुमारी बहन राधा जी, श्रीमती माया अग्रवाल जी, उपस्थित अन्य विशिष्टजन, शिक्षकगण, अभिभावक, पत्रकार बंधुओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज इस यहाँ पर आकर इतना सुंदर परफॉर्मेंस देखने को मिला। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और बहुत सारे बच्चों ने दिखाया कि हम कहीं के भी हों, चाहे कश्मीर के हों, चाहे गुजरात के हों या महाराष्ट्र के हों, हम सब भारतवासी हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को प्राइज़ मिला। वार्षिकोत्सव में हमेशा एक वर्ष के बाद बच्चों के पूरे साल का लिखन दिखाया जाता है, उसके लिए बच्चों ने जो मेहनत की है, अभी आते समय मैंने देखा कि बहुत सुंदर फोटोग्राफी और कल्पना वगैरह बनी थी। बहुत हर क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। आगे चलकर ये हमारे देश को, आज इस समय लखनऊ के अंदर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कुछ समय पूर्व हमारे यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं थी, आज बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं। किसी भी प्रकार की वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है और हर प्रकार की शिक्षा उनको यहाँ पर मिल रही है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, और कल्चरल प्रोग्राम में अपनी संस्कृति को उजागर करते हैं। हमारी भारत की पहचान हमारी संस्कृति है और इस संस्कृति को लेकर हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उस विश्व गुरु बनाने में हमारे ये बच्चे उसमें अग्रणी होकर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से और संस्कृति के माध्यम से हमारे भारत को उस दिशा की ओर ले जाने का प्रक्रम कर रहे हैं, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बराबर उत्सित हैं। और इसी दिशा में जो उन्होंने एक हम लोगों के स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का जो एक परिकल्पना की है, उस परिकल्पना में भी पूर्ण रूप से हम सब अग्रसरित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि लखनऊ बहुत धीरे धीरे करके लखनऊ में परिवर्तन आ रहा है, लखनऊ भी आगे बढ़ रहा है और उस लखनऊ को आगे बढ़ने के लिए आप सबका सहयोग मिल रहा है, आप सबका सद्भाव मिल रहा है। और जब मैं चुनाव लड़ रही थी लखनऊ से, उस समय हमारे लखनऊ की रैंकिंग 269 नंबर पर थी और मैंने देखा कि हमारा लखनऊ संस्कृति के नाम से जाना जाता है, विदेशों में लखनऊ का नाम है और अपनी पहले आप और पहले आपकी संस्कृति का एक प्रदर्शन करता है। और हमारे बीच में भाईचारा, जो हमारा यहाँ का भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम एकता का, गंगा जमुनी तहजीब है, सारी चीज़ों के होते हुए और लखनऊ तरक्की कर भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी तरक्की कर रहा है, लेकिन हमारे स्वच्छता की दृष्टि से हमारे लखनऊ की रैंकिंग 269 नंबर पर थी। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारा इतना अच्छा लखनऊ और इतना नाम उसका, लेकिन हम रैंकिंग में पीछे क्यों हैं। तो हमारे जो 70 वर्ष पहले गांधी जी ने एक स्वच्छता की बात की थी, वो स्वच्छता का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा एक अभियान के रूप में लेना पड़ा, उसका कारण केवल यही था कि हम अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं ला पाए। हम बाहर विदेश में जाते हैं, कहीं टॉफ़ी खाते हैं तो अपना रैपर जो है वो हम अपनी पॉकेट में रखते हैं, लेकिन जब हम भारत में होते हैं तो घर पर तो हम डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में अपना डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं, अपने ऑफिस में करते हैं, हर जगह पर करते हैं, लेकिन जब हम सड़क पर चलते हैं तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं और हम अपना कुछ भी खाते हैं उसको रास्ते में रैपर हो या छिलके हो वो रास्ते में फेंकते हुए चले जाते हैं। तो उसी समय जब मैंने ये देखा कि हमारी रैंकिंग 269 नंबर पर है, मैंने उसी समय एक संकल्प लिया था कि जब अगर मैं महापौर बनूंगी तो लखनऊ को नंबर एक पर लाऊंगी। और इस प्रयत्न में मैं बराबर प्रयत्नशील बनने के बाद उस दिशा में मैंने प्रयास करना शुरू किया और उस दिशा में हम धीरे धीरे अग्रसरित हो रहे हैं। और मुझे
ये आपको बताते हुए बहुत हर्ष का विषय है कि परसों आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि फीडबैक में लखनऊ इंदौर को पीछे छोड़कर लखनऊ आगे बढ़ गया है, तो उस दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और उस हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम हर दिशा में लखनऊ आगे बढ़ रहा है और ये आने वाले बच्चे जो हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे इस इन बच्चों के ऊपर हमारा देश का भविष्य निर्भर है। ये बच्चे जैसी संस्कृति को लेकर जाएंगे, जैसी जैसे ये करेंगे अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे, उसी तरह से इनका स्वभाव बनेगा और ये हमारे देश का नाम, हमारी संस्कृति को आगे उजागर करेंगे और हमारी संस्कृति को आगे लेकर जाएंगे। आज जिन बच्चों को यहाँ इंस्टीट्यूट के संस्थापक अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और इन बच्चों से और पेरेंट्स से मिलने का एक अवसर प्राप्त हुआ और बच्चों की प्रतिभा देखने का अवसर मिला। बहुत अच्छी प्रतिभा यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उस प्रतिभा में हमारे बच्चे, मुझे लगता है कि हमारे देश का भविष्य और हमारे देश का और प्रदेश का भविष्य उजागर करने वाले हैं। यही बच्चे कहीं ना कहीं अपने कहीं कोई खेल कूद में, और कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, जिस प्रकार की वो शिक्षा ले रहा है, जो उद्देश्य लेकर वो चल रहा है, उसमें निश्चित रूप से वो यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, ये उसके लिए बड़े सौभाग्य की बात है और इस दिशा में वो आगे बढ़ेगा और हमारे लखनऊ का नाम तो रोशन करेगा ही करेगा, प्रदेश का नाम भी रोशन, प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करेगा। मैं बच्चों को पुनः एक बार उन सबको बधाई देते हुए उनको आशीर्वाद देती हूँ कि वो जिस क्षेत्र में जाएं हमारे देश का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें।